गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ तीन ऐसे प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि आपके डेली जीवन में आपको, मतलब हर रोज़ तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी आपको काम आते ही होंगे। तो उनमें सबसे पहले है ये रिंग गार्ड। और गाइस, रिंग गार्ड आजकल ना हर घर में आपको मिल जाएगी। किसी भी, हो सकता है आप किसी भी तरीके से इसको लगाते हो, कैसे भी आप इसको लगाते हो, लेकिन ये बेसिकली मतलब जैसे आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, या फिर जैसे आपको दाद, खुजली, या फिर जैसे कुछ इचिंग वगैरह हो रही हो, या फिर जैसे कि मतलब कई जैसे गले या फिर हाथ वगैरह में, अगर आप कहीं जैसे कि कई बार ना गैस से हल्का फुल्का जल जाता है हाथ, कभी तवे के लग जाता है, या फिर अगर ऐसे मान लो हल्का फुल्का अगर आप जल जाते हो, या फिर हल्की फुल्की जैसे कोई चोट आ जाती है ना आपकी, जैसे गिर जाते हैं थोड़ी सी मतलब जगह से स्किन निकल जाती है हल्की सी, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मतलब आप रिंग गार्ड को यूज़ में ले सकते हो। बाकी आप अगर बेसिकली तो वैसे इसको आप डॉक्टर से पूछ के ही इसको यूज़ में लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसी जगहों पे मैं लगा लेती हूँ। तो इसको मैंने यूज़ किया है और मुझे मतलब इससे फ़र्क भी नज़र आया है। तो ऐसे अगर आप लोग भी अगर इसे यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हर किसी की स्किन वगैरह अलग अलग होती है। और ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर इस तरीके का होता है। तो जैसे कि हर किसी की ना स्किन अलग अलग होती है, किसी को हो सकता है इसको लगाते ही तुरंत खुजली वगैरह शुरू हो जाए, तो जिनको ऐसा हो तो प्लीज़ नहीं लगाना और आप डॉक्टर वगैरह से पूछ के ही लगाना। बाकी तो मैं इसको बस ऐसे यूज में ले लेती हूँ और ये मेरी पूरी फिनिश भी हो गई है। और इसकी ना आई थिंक प्राइस होगी लगभग 60 रुपये के लगभग। और ये आपको ना किसी भी अपने आसपास जो भी कोई मेडिकल स्टोर हो या फिर कोई भी लोकल स्टोर हो तो उस पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जिससे भी आप परचेज वगैरह कर सकते हो। और इसे ना आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मतलब कई ऐसे ऑनलाइन स्टोर है जिन पर भी ये अवेलेबल रहती है। तो उनमें से एक की लिंक तो मैं दे दूंगी आपको, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन इसको यूज करने से पहले अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ ना ले। लेकिन मुझे थोड़ी फ़ायदेमंद लगी है इसीलिए मैं इसको यूज ले लेती हूँ। बाकी हर किसी की स्किन सबकी अलग अलग होती है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करें। और गाइस, अब जो सेकंड प्रोडक्ट है ये ना बहुत ही मतलब बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, ये बिल्कुल आपकी पॉकेट में इजीली आसानी से आ जाएगा। पर्स में डाल लीजिए, आप अपने पॉकेट में डाल लीजिए, आप इसको कैसे भी इसको कैरी कर सकते हैं। और ये है गाइस जंडू बाम का क्विक रिलीफ फॉर हेडेक रोल ऑन। तो गाइस, ये काफ़ी इजीली आपको ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा ये, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी मेडिकल शॉप हो या फिर कोई जनरल स्टोर तो उस पे भी बिल्कुल आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और ये गाइस इसको लिए हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, जैसे कि आपको सिर दर्द वगैरह अगर करता है तो मैंने उसके लिए लिया था ये। तो ये ऊपर में ना ऐसे मतलब इसमें एक रोलिंग के लिए ना एक बॉल जैसी इसमें लगी हुई होती है, आप उसको ऐसे सर के ऊपर घुमाते रहिए और इसमें ये जो लिक्विड होता है जंडू बाम वाला, ये मतलब सर पे आ जाता है। लेकिन मुझे जैसे मैंने इसको यूज़ किया ना, मुझे उतना अच्छे से रिलीफ इससे नहीं लगा है। और मतलब जैसे जितना सिर दर्द होता था तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे लगी नहीं है। और ये हेडेक वगैरह के लिए भी इसमें ये मेंशन किया गया है फॉर हेडेक, तो मुझे इसलिए भी मतलब ये ज़्यादा लगी नहीं है। और आई थिंक ना इसकी प्राइस 60 रुपये होगी। ये मैंने गाइज ली थी, मेरे पास में ही डीमार्ट है, वहाँ से डीमार्ट में इजीली ये आपको मिल जाएगी। आपके आसपास अगर मेडिकल शॉप है ना वहाँ पे भी ये आसानी से मिल जाएगी, ये ऑनलाइन भी मिल जाती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह। और झंडू बाम की खुद की वेबसाइट भी है ये, आप ना वहाँ से भी इसको ऑनलाइन ले सकते हो। तो ये है, लेकिन मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोगों ने इसको यूज किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्लीज़ ये भी आप डॉक्टर के बिना ना ले। लेकिन ये मुझे सिर दर्द में इतनी असरकारक ये नहीं लगी है, तो मैं तो चाहूँगी कि आप ना ही ले इसको,
लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहो तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह इसके लिए ज़रूर ले लीजिएगा कि इसको आप ले सकते हो या नहीं, तो उसके बाद ही इसको यूज़ में लीजिएगा। और इसकी प्राइस आई थिंक ये 60 रुपये के लगभग ही ये थी, कंफर्म तो इसकी नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये इतने ही प्राइस में थी। लेकिन ये पॉकेट वगैरह में बिल्कुल आसानी से आ जाती है, तो आप इसको कहीं भी मतलब आसानी से इसको कैरी किया जा सकता है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो इसका जो ऑनलाइन लिंक रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से कि आप इसका रिव्यू वगैरह चेक कर सकते हो। इसको मतलब आप परचेज अगर करना चाहो तो आप परचेज भी इसको कर सकते हो, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं लगा है, इसलिए मैं इसको दोबारा लेने के लिए नहीं बोलूँगी। और जो गाइस थर्ड प्रोडक्ट है, ये तो बेसिकली आप मतलब डेली ही कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए डेफिनेटली हर घर में ही यूज किया जाता है, तो ये है गाइस फेविक्विक। और ये है गाइस 3 ग्राम की, जिसकी प्राइस है 30 रुपये। और ये 5 रुपये वाली भी आती है, लेकिन गाइस 5 रुपये वाली ना जल्दी जैसे उसको निकालो और वो ना एक दो दिन, जैसे अगर आप उसको ओपन कर लेते हो तो एक दो दिन बाद में ही वो ख़राब हो जाती है। और ये वाली आप देख सकते हो, इसके पीछे में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है कैसे आपको यूज़ वगैरह करना होता है। और इससे ना गाइस आप कप वगैरह प्लेट वगैरह जो भी आपके सिरेमिक की हो, चाहे ग्लास की हो, चाहे लेदर की हो, जो भी आपकी चीज़ वगैरह टूट गई है उनको आप इसको जोड़ सकते हो। और ये वाली जो फेविक्विक है 30 ही रुपये की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है गाइज ये, लेकिन ये जो है ना मतलब अच्छे से इसमें एक केप दी होती है जो कि इसको अच्छे से एयर टाइट करके रखती है, काफ़ी अच्छी है। अभी तक तो मैंने इसको आप देख सकते हो ओपन भी नहीं किए, लेकिन इससे पहले मैंने एक यूज़ कर ली है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये कई दिनों तक चलती है। काफ़ी अच्छी मुझे ये चीज़ लगी है, काफ़ी लंबी से ये चलती है, तो अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। आप इसको ना ऑनलाइन भी ले सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, वहाँ पे भी ये इतनी ही प्राइस में मिल जाएगी। और अगर आपके आसपास कोई भी जनरल स्टोर है या फिर आपके आसपास कोई भी शॉप है तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ये आपको 30 रुपये में सभी जगह पर आपको 30 रुपये में ही मिल जाएगी 3 ग्राम की। अगर आप बड़ी लेना चाहते हो तो फिर वो थोड़ी आपको मतलब प्राइस पड़ेगी, बाकी मुझे ठीक लगती है। और मतलब ठीक क्वांटिटी की है, ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा है, पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी। जो मैं 5-5 रुपये की लेती थी ना, उसमें क्या होता था, एक जैसे उसको ओपन किया तो वो एक ही दिन चलती थी मेरी, दूसरे दिन वो ऐसे सूख जाती थी। और उनकी ना केप भी इतने अच्छे से नहीं थी, वो कहीं पे भी गिर जाती थी, ये चीज़ें मेरे साथ उनसे होती थी। तो फिर मैंने ये वाली लेना शुरू कर दिया है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो ये अगर आप लेना चाहो तो आप लोग भी इसको ले सकते हो। तो ये था गाइस आज का मेरा वीडियो, ये जो 3 प्रोडक्ट थे बिल्कुल आपको ना मिनिमम प्राइस में मिलेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इनमें जो एक प्रोडक्ट जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने इन तीनों में से जो भी प्रोडक्ट यूज़ में ले रखा हो, यूज़ किया हो, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज मैं इसी टाइप के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी मैं परचेजिंग वगैरह करती हूँ उनके रिव्यूज़ आप लोगों के सामने रखती हूँ, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन दिया हुआ होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करें, ताकि और भी आने वाले रिव्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उन प्रोडक्ट वगैरह को देख सके, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टिल देन बाय गाइज़।